अब जरा ये देखो, एक बताओ एक। ये वाली अच्छी लग रही है। हां जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ये अपनी मेरी बाइक पे पहला व्लॉग है। बाइक को लिए पूरा वन वीक होने वाला है, बट आज तक मतलब अभी तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। रीज़न क्योंकि अभी तक पूरा सेटअप सुटअप अपना रेडी नहीं था। तो अभी जे माउंट वगैरह ले लिया, गोप्रो अपने वो पड़ा हुआ था, तो अब सब कुछ रेडी है। तो अभी तो ये भी नहीं पता कि आवाज़ कैसी आ रही होगी और फ्रेम क्या आ रहा होगा, तो देखते हैं अभी क्या रहता है कैसे। बाकी अभी हम निकल चुके हैं सुमित भाई के कैफ़े से। रात का ब्लॉग शुरू करने का रीज़न ये है क्योंकि जो आपके भाई ने हेलमेट डाला हुआ था ना, वो चीज़ ही अलग है। अब जरा ये देखो, जो हेलमेट है ना अपना, तो जैसे एक बार पहले मेरी वीडियो देखी होगी आपने हार्ले वाली, तो ये भी वही है सेम। तो ये लुमिनोर है, तो जितना देख रहे हो ना सारा पेंट एरिया है, तो ये सारा ग्लो होता है। सेक्सी लग रहा है ना, एक बार कमेंट करके बताना। मतलब लोग ना ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, मतलब चीज़ ही अलग है। तो वो इस करके सोचा कि मतलब आज रात को इसका ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और इसी को कंटिन्यू हो सके तो कल रखेंगे। बाकी कल की राइड भी अपनी यहीं पर रहने वाली है, शायद सुमित के भाई के कैफे पे। तो अभी जो है मेरे साथ जैगी भाई एंड खन्ना भाई। तो जैगी भाई ने एग्जॉस्ट पे लगवा लिया, मतलब देख रहे हो सुपर लाउड है, मतलब इंडिया की फर्स्ट कटाना होगी जिसमें एग्जॉस्ट लगा। देख रहे हो साउंड, देखो साउंड, जैगी भाई चला रहे हैं खन्ना भाई की भाई। देख रहे हो कल तक स्कूटियों पे आता था, आज बाइक पे आ रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वीक में दो व्लॉग्स, ये तो डेली ट्राई तो नहीं हो सकता क्योंकि डेली अपना ऑफिस रहता है सुबह 10 से 7। तो कोशिश करूँगा मतलब वीक के दो व्लॉग हो गए या वीक का एक व्लॉग हो गया। संडे राइड तो अपनी पक्का रहेगी इस बाइक पर, ठीक है। बाकी रब रखा। तो सुबह शायद जगह भाजी हमारे साथ राइड नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो रूट रहेगा शहर जेवर साइड रहेगा। बाकी मैं, खन्ना भाई एंड एक मेरा हरमीत भाई है जो कि वो कटाना पे आएंगे। तो मतलब कल ना वैसे दो दो कटाना हो सकती थी, तो बट अब जैकी बाजी का शायद रूट अलग रहेगा, जेवर साइड हम मेरा रहेगा गुड़गांव की तरफ। कैसी है ये? बढ़िया। ये कैसी है? अच्छी है, अच्छी है? नाइस। यहाँ से राइट है, राइट। तो जैसे जैकी भाई की बाइक का नंबर 30-30 है ना, तो अपनी बाइक का नंबर भी कुछ हटके होने वाला है, मतलब 1600 होगा, 1600। 1600 इस करके क्योंकि आपके भाई की डेट ऑफ बर्थ है 16, तो इस करके मैंने 1600 सोचा। नहीं तो मैं पहले सोच रहा था कोई 2500 हो गया, ठीक है, लाइक 50-50। तो मैंने घर वालों को बताया, दोस्तों से बात की कि कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि भाई 1600 अच्छा लग रहा है, तो आपके भाई ने 1600 फाइनल कर लिया। हो सकता है कल अपनी नंबर प्लेट भी लग जाएगी, ठीक है। तो और बाइक पे थोड़ा सा बहुत काम भी कराऊंगा कल, हो सके तो क्रोल बाग में जाके, जैसे अपना फ्रेम स्लाइडर हो गए और अपना टैंक पैड वगैरह, तो इसका भी देखेंगे कल कैसे रहता है। तो बाकी अभी वरिष्ठा रुक चुके हैं यहाँ पे, 2-4 फोटोएँ क्लिक कराते हैं और यहाँ पे अब जैकी बाजी इसके बाद अपना चले जाएंगे और खन्ना भाई अपना चले जाएंगे। और भाई क्या कर रहा है, आपने बताना जरा। चार्जर भूल गया भाई। चार्जर भूल गया सुमित के कैफे में। इधर को मैं अपने घर से केबल दे दूंगा, मेरी गाड़ी में केबल पड़ी है, वो नॉर्मल केबल से चार्ज कर, सुबह वहां से वापस ले लूंगा। ओके, सुपर लाउड। बाकी अब ना इस हेलमेट पे 2-4 फोटो खिंचाते हैं क्योंकि थंबनेल बाबू भैया जरूरी है, बिना थंबनेल के आपकी वीडियो नहीं उठती। तो जगह भाई आ चुके हैं एंड खन्ना भाई 2-4 फोटो खींच देगा मेरी, देख रहे हो चीज, देखो यार। नाइस। बाकी हेलमेट आपको कैसे लग रहा है एक बार कमेंट करके बताना, मतलब भाई साहब अभी तक ना लॉन्च नहीं किया अभी, और ये हेलमेट ना आउट ऑफ इंडिया जाने हैं अभी सारे, तो इसमें मतलब 5-6 डिज़ाइन हैं,
तो जैसे ये वैनम वाला है, दूसरा फ्लेम वाला होगा, तो काफ़ी डिज़ाइन है इसमें। और भाई मतलब बम चीज़ें देख रहे हो, ये सारा आपको पेंट है। भाई सब अपनी फोटोज हो चुकी हैं, रिले हो चुकी हैं, अभी हेलमेट को करते हैं हम पैक। मेरा बच्चा बस बस तो ये शायद यहीं से मुझे टाटा बाबे करने वाला है। तो यहाँ से कहाँ है मेरे को, तेरा यहाँ से आएगा फिर? ठीक है, आगे से टी पॉइंट आएगा, फ्लाईओवर आएगा, टी पॉइंट से राइट लेके लेफ्ट रोजन के आएगा, टी पॉइंट से राइट लेके क्या आएगा, एम्स वाला रास्ता आएगा या दिल्ली के दोला कुआं वाला? अच्छा, टी पॉइंट से राइट, देन आगे से मुड़ते ही लेफ्ट आ जाएगा। चल ठीक है, चल ओके, सुबह सुबह का टाइम लग रहा है। ओके भाई बाय। चल ठीक है, सुबह टाइमिंग 6 बजे रखें? ठीक, मेरा गाड़ी पास में। चल ओके बाय, ओके ब्रो बाय। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह एक बार फिर। तो सो रात के व्लॉग को सुबह के व्लॉग से कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ आ चुकी है सुजुकी कटाना, पर ये जगी बाजी वाली नहीं है, ये हमारी है हरमीत भाई वाली। तो ये स्टॉक है, वाहेगुरु मेहर करियो। तो जगी भाई का आज का रूट रहने वाला अलग, और हरमीत भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। खन्ना भाई मेरे को मिलेगा ढाबे पे, बाकी शायद एक दो भाई और ज्वाइन करेंगे, और एक दो भाइयों ने दे दिए गोली रात को ही कि भाई साहब पे एक बार शादी कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे दिक्कतें होती हैं। क्योंकि शाम तक उनका इन था, उसके बाद उन्होंने बोला रात को एकदम तो मैसेज आया कि भाई सुबह मैं नहीं आ पाऊँगा, कोई बात होगी है। मैं कहा भाई चलो कोई नहीं, अगर पॉसिबल होते आ जाना। बाकी हरमीत भाई हमारे पंप में आते हैं पूरे, और एक बार हम पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि बाइक में पेट्रोल की बत्ती जल चुकी है। एंड यहाँ पे अपना जेल रोड के पास पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं। चलो सुबह पेट्रोल पंप अभी तक नहीं खुला। हाँ जी पाजी, चलो। तो सुबह सुबह भाई सब देख रहे हो, मतलब 6:15 हो रहे हैं और पेट्रोल पंप भी नहीं खुला। कोई नहीं, आगे देखते हैं, किस्मत यहाँ काम कर गई, पेट्रोल पंप खुला हुआ है। क्योंकि भाई साहब 0 रेंज दिखा रहा है, तो कहीं भी बंद हो सकती है गाड़ी। तो हमारी गाड़ी का थोड़ा सा पेट भर चुका है, क्योंकि अब चलेगी ये दबा के, क्योंकि भाई साहब खाली पेट चलाना ना सही नहीं होता भाई साहब, खाली पेट इंसान नहीं चल सकता, तो ये तो बाइक है। सो ढाबे वाली रोड पे हम आ चुके हैं गाइस, और यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करेगा खन्ना, बाकी हरमीत भाई पीछे रह गए थोड़ा सा। देख लो, एक टाइम था कि मतलब मैं रोज़ जब भी आता था ना यहाँ पे स्कूटी पे आता था पसीनों पे, और यहाँ पे ना सारे सुपर बाइक वाले खड़े रहते थे, देख रहे हो। तो आज अच्छा फील हो रहा है, आज जा रहा हूँ जब सुबह सुबह और अपनी बाइक पे आ रहा हूँ। तो वाहिगुरु ऐसे ही मेहर रखना, ठीक है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई साहब। कर्म अच्छे करो, खन्ना ये बात हर वीडियो में बोलता है, मैं भी यही बोलूँगा कि भाई साहब कर्म अच्छे करो, ठीक है, कर्मों का ही खेल है भाई साहब सब, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। हाँ जी कटाना कटाना। ये भी आ गया, सही है, मतलब आज 2 कटाना, एक अपनी जीएस से। हाँ भाई लोंडे लेट हो गया है। हाँ जी मालको गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? तो जगी पाजी और उनके साथ जो थे वो भाई यहीं से चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि तो जेवर साइड है सुबह शायद बारिश आ रही है वहाँ पे, वो सारी गीली लोड़े हैं, तो बाकी इनका प्लान कैंसिल है। बाकी लाउड देख रहे हो कितनी है,
अगर आज दोनों कटाना होती ना मतलब मज़ा आ जाता। तो आज अपने साथ एक कटाना एंड एक जीटी कॉन्टिनेंटल और अपनी जी 900 और आपके भाई की छोटी सी बाइक एक BMW। भाई आपके भाई के ना सीन इतना माड़ा हो चुका ना, मतलब GoPro चला रहा हूँ चल ही नहीं रहा, मतलब पूरी रात को बैटरी चार्ज भी करी है फिर भी पता नहीं क्या हो गया। देखते हैं यार, अब सुमित के कैफे में जाकर देखता हूँ चार्ज करके, कार्ड भी निकाल के देख लिया, बैटरी भी निकाल के देख लिया, बट चल ही नहीं रहा GoPro। यार रुके हैं सब भाई लोग अपना स्टोरी डालने के लिए, क्योंकि भाई साहब ये तो मैंडेटरी है, संडे राइड हो और स्टोरी ना डले ऐसे कैसे हो सकता है। बाकी देखते हैं, अब फ़ोन से ब्लॉक करूँगा थोड़ा बहुत जो होगा, उसके बाद सीधा सुमित की कैफे चल के अपना करते हैं, मतलब चार्ज वगैरह लगा के देखते हैं शायद चल जाए। कौन सी बाइक अच्छी लग रही है चारों में से? चारों में से बाइक चारों ही अच्छी लग रही है। एक बताओ। एक नहीं, चारों अच्छी लग रही है। एक बताओ एक। ये वाली अच्छी लग रही है। भाई सुमित भाई के कैफे में हम आ चुके हैं यार। सुमित भाई हर तरह की दरार, पूरी रात नहीं सोता है ये बंदा, फिर सुबह उठ के नींद वाला फीस ले आता हमारे सामने। भाई सो जाया कर यार, सो जाया कर, यार गलत है, यार गलत है। बाकी काफी सारे भाई लोग अपने आए हुए हैं, क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो सर? बाकी अपने काफी सारे भाई लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपना GoPro ना डेड हो चुका है, ये देख रहे हो, मतलब चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ यार। कोई नहीं, मतलब ये लगाओ, पहली बार अपने मैंने लगाया है हेलमेट पे GoPro और आज ही है। तो भाई अब पता चल रहा है कि असली फंडा ना चार्जिंग का था, मतलब ये लगा लो मैंने पूरा चार्ज किया था घर पे ना, पता नहीं फिर भी मतलब अभी यहाँ के चार्ज लगाया और ये GoPro अपना ऑन हो गया, बैटरी लो शो कर रहा है, तो मुझे लग रहा है मेरे को ना एक दो बैटरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। मुझे लगा था चल जाएगा आज का दिन ये, बट ये तो बहुत जल्दी जवाब दे गया, बट कोई नहीं। तो भाई साहब बारिश आने की संभावना है क्योंकि कनियाँ पड़नी शुरू हो चुकी हैं तेज हो, इससे पहले यहाँ से निकलते हैं। बाकी जो मैंने अपना कैमरा बैग है वो सुमित की गाड़ी में दे दिया, तो वहाँ चल के देखते हैं कैसा रहता है माहौल। मेरे को लग रहा है आज उसका भी ना सीन थोड़ा डेड ना हो जाए, क्योंकि बारिश आ गई तो फिर ट्रैक का फिर फायदा क्या, कुछ हो ही नहीं पाएगा आज। ऑफ रोड एडवेंचर जोन, मतलब आज ना एडवेंचर भी करा ही देते हैं इस बाइक को ना। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ, वो कह रहे बोर्ड पीछे लगा है, वो कह रहे बोर्ड पीछे लगा हुआ है। ओ माय, नीचे लग सकती है भाई, ये तो है। तो आज ना यहाँ पे आके ना ऑफ रोड वाले मजे भी अपने को मिल ही जाएंगे लग रहा है। यही एक माइनस पॉइंट है फुल फेयरिंग बाइक लेने का ना, कि आप उसमें ऑफ रोड नहीं कर सकते और अगर कहीं फंस गई तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके कोई नहीं, ये पहुंच चुके हैं हम और ये हमारा रौनक भाई, इसका हमने शूट किया था। हाय ब्रो, हाउ आर यू? पापा कहाँ हैं? वहाँ पे हैं। तो ये रौनक भाई का ना मैंने आज से मतलब 7-8 महीने पहले शूट किया था यहीं पे ट्रैक पे संतोष भाई के साथ। तो भाई अभी संतोष भाई की चाबी ले ली मैंने बाइक की, इम्पल्स की, चला के देखते हैं, क्योंकि इस पे जो ऑफ रोड करने का मजा है ना वो किसी पे नहीं है। ओए सुमित, तमीज से देख, ओए इधर देखिए, ये यहां किससे भी पार नहीं कर रहा है भाई, हल्के में ले, बस की है ना स्पीड में पार करके दिखाई, देखते हैं पैर पूरा लग, ओए रुक जा पागल है क्या। तो ये लग रहा है ये मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ से मैं क्रॉस नहीं कर सकता, देखते हैं। स्पीड में भाई निकाल दी, निकाल दी, उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ से निकलेगी बट निकल गई भाई, सही है सही है। आज पहली बार आपका भाई ना यहाँ पे बाइक चलाएगा,
हाय दोस्तों, आपको मैसेज किया है मैंने सुबह? नहीं, मुझे मैंने देखा नहीं। मैं क्या थोड़ा मैं भी ऑफ रोड कर लेता हूँ आज। कैसे हो, कैसे हो भाई? की हाल है भाजी? क्या हाल चाल? तानू भी, तानू भी। और सुनाओ सर, हमें भी सिखा दो थोड़ा सा। बाइक बढ़िया चल रही है। संतोष भाई के यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि भगवान थोड़ा मेहरबान होने वाला है। ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ से निकलते हैं। और बाकी सुमित भाई पीछे आ रहा है, तो संतोष भाई थोड़ी देर तक आएगा शायद। देखा अगर बारिश आ गई ना तो हम क्या करेंगे, संतोष भाई के घर पर रुक जाएंगे थोड़ी देर। तो भाई जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया, देख रहे हो बारिश हो गई है तेज खतरनाक। और सब भाई यहाँ पे कर रहे हैं वेट। तो अभी निकले ही थे कि संतोष भाई के रूम में जाके वेट कर लेंगे, बट उससे पहले ही बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। निकल जाए भगवान यहाँ से ना, डर ही लग रहा है क्योंकि पूरा पानी पानी हो रखा है। कहीं फंस गई ना तो कांड हो जाएगा तगड़ा। वाहेगुरु, मतलब आज ना प्रॉपर ऑफ रोड हो जाएगा। निकलते हैं, निकल तो रही है, बस पूरा निकल जाए। और सुमित भाई के कैफे में ना मैं गोरिल्ला ट्राइपॉड भूल गया अपना, वो भी उठा लेता हूँ। संतोष भाई तो भाई ऑफ रोडिंग करते जा रहा है क्योंकि उसकी तो है ही बाइक। चलो ठीक है, मैं नहीं मिलता हूँ। ओके ओके भाई। तो सुमित भाई के कैफे थे ना, मैं सोच रहा हूँ एक पन्नी ले लूँगा, उसमें क्या करूँगा मैं अपना कैमरा डाल लूँगा क्योंकि यार रिस्क है, बारिश ना तेज़ होने का चांस है।